आज मैं आप लोगों के लिए एलोवेरा ऑयल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तेल को आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं और अपने स्किन में भी। ये मेरा अपनाया हुआ तेल है। इस तेल को बालों में लगाने से ना ही बाल टूटते हैं और ना ही सफ़ेद होते हैं, और स्किन में लगाने से हमारी स्किन बहुत चमकदार बनती है। आजकल सभी के घरों में एलोवेरा का प्लांट तो होता ही है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसको लगाने से बाल हेल्दी ग्रोथ करते हैं और बालों को चमकदार बनाते हैं। मैं यहाँ एलोवेरा की ग्रीन लीव्स को काट लूँगी। ग्रीन लीव्स में ही बहुत अच्छे से जेल हमें मिलेगा। और हाँ, मैं इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड भी होता है जो बालों को गिरने से रोकता है। अब मैं एलोवेरा को पानी से अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगी रहती है, तो जिससे ये अच्छे से साफ हो जाए। अब ये देखिए, मैंने ये सारे एलोवेरा को धो लिया है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट करूँगी। एलोवेरा के साइड में जो कांटे वाला हिस्सा रहता है उसको पहले अलग कर देंगे, और इसमें जो छिलका है आगे पीछे का उसको भी अलग कर देंगे। इस तरह एलोवेरा का जेल मिल जाएगा। एक और तरीका मैं बताती हूँ कि एलोवेरा का जेल कैसे निकाल सकते हैं। मैं एलोवेरा का फिर से एक छोटा सा टुकड़ा ले रही हूँ और इसके साइड को अलग कर देंगे। एलोवेरा का जो दबा हुआ हिस्सा है उस छिलके को निकाल देंगे। अब चम्मच की हेल्प से एलोवेरा का सारा जेल निकाल लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह मैंने एलोवेरा जेल निकाल लिया। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लूँगी, जिससे जो बड़े बड़े पीस हैं वो छोटे छोटे पीस में कट हो जाएं। अब इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी। जितना मैंने एलोवेरा जेल लिया है उतना ही मैं नारियल का तेल ले रही हूँ। मैंने नारियल के तेल को पिघला लिया है। अब इन दोनों को मैं एक पैन में डाल दूँगी। अभी गैस ऑन नहीं करना है, पहले दोनों को पैन में डाल देना है, फिर उसके बाद गैस को ऑन करना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम गैस को बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे। एलोवेरा में मॉइस्चर रहता है इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे काली मिर्च हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसी तरह बालों के लिए भी ये बहुत गुणकारी है। काली मिर्च से बालों का झड़ना और बाल सफ़ेद होना भी रुक जाता है। हम इसको धीमी आंच में इसी तरह पकाते रहेंगे। गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, धीमी आंच में ही पकाना है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। इस तरह ये देखिए, ये हमारा बहुत पक गया है, लेकिन थोड़ा सा भी और कसर बाकी है, तो इसको थोड़ा देर और पकाते हैं। ये फैन दिखने लगा है, मतलब कि हमारा एलोवेरा ऑयल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे। आप चाहें तो कपड़े से भी छान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ छन्नी से ही छान रही हूँ। ये पूरा तेल मैंने अच्छे से निथार लिया है। ये देखिए, इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें मैं विटामिन ई की कैप्सूल डालूँगी। विटामिन ई में तो बहुत सारे गुण होते हैं। विटामिन ई में एंटी एजिंग के गुण होते हैं। ये बालों को बढ़ने में मदद करता है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और चमकदार बनाता है, डैंड्रफ को रोकता है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी और ये बहुत सस्ती आती है। मैं यहाँ 10 विटामिन ई की कैप्सूल का ऑयल निकाल कर डालूँगी। इसको थोड़ा सा कैंची से कट करके इसका जो अंदर का ऑयल रहता है उसको तेल में ऐड कर दूँगी।
अब पूरे तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हमारा एलोवेरा ऑयल तैयार हो गया है। अब आप इसको एक कंटेनर में रख लीजिए और कई महीनों तक यूज़ करिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।